Hello everyone, this is our English class and today we will continue with our literary terms. And today we will start from term essay. So what is essay? Essay यानी कि निबंध, जिसको हिंदी में निबंध कहते हैं, एक description होता है, particular topic पे हो सकता है, किसी issue पर हो सकता है, या कोई conflict पे हो सकता है, किसी भी तरह की चीज़ पर हम essay लिख सकते हैं. जैसे छोटे होते हैं, हम जब शुरुआत में हमें छोटे छोटे टॉपिक्स दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक आते हैं हमारे सामने, फिर हमारे जो समाज में चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड हमें टॉपिक दिए जाते हैं, जिससे हम उन पर अपने व्यू पॉइंट जो है रख सकें. ऐसे दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल के अंदर जो व्यक्ति है जिसको बोला गया है, वो एज एन अथॉरिटी ऑफिशियल पर्सन की तरह वहाँ पर ऐसे लिखेगा, ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लिखेगा, उसके ऊपर उसने क्या इंटरोगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन क्या की है, क्या उसकी रिसर्च रही है, उस पर लिख सकता है वो, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और फिर उसके बाद कंक्लूजन पर लिख सकता है. तो ऐसे जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप प्रॉपरली किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करके भी लिख सकते हैं और बिना डिस्कस करे भी लिख सकते हैं. अब हम इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे. द एसे रेफर्स टू एनी ब्रीफ कॉम्पोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, और पर्सुएड अस टू एक्सेप्ट अ थीसिस ऑन एनी सब्जेक्ट व्हाटएवर. एसे जो है एक ब्रीफ कॉम्पोजिशन होता है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम कोई मैटर डिस्कस कर रहे हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं या इससे जैसा कि हमने देखा अभी कि किस तरीके से हम ऐसे जो है इसमें बोला जा रहा है कि ऐसे के अंदर पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में एक फॉर्मल तरीके से आपको समझाया जाता है लिख करके. द ऐसे इज़ एड्रेस्ड टू अ जर्नल रादर देन अ स्पेशलाइज्ड ऑडियंस. एज अ रिजल्ट द ऐसे डिस्कसेस इट्स सब्जेक्ट मैटर इन नॉन टेक्निकल फैशन एंड ऑफन विद अ लिबरल यूज ऑफ सच डिवाइसेस एज एनेक्डोट, illustration and humor to enhance its appeal. ऐसे जो है कई बार जर्नल फॉर्म में भी लिखा जाता है और किसी पर्टिकुलर स्पेशल ऑडियंस के लिए ना होकर के नॉर्मली लोगों के लिए भी लिखा जा सकता है, ठीक है. इसी के कारण जो है कई बार ऐसे जो है उसके अंदर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किया जाता है एक नॉन टेक्निकल फैशन यानी नॉन टेक्निकल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है. Often with a liberal use of such devices as anecdote, illustration, humor to enhance its appeal. और कई बार जो है हम इस तरीके की devices का use करते हैं उसके बारे में, किसी भी particular topic के बारे में बड़ा चढ़ा कर exaggerate करके बताने के लिए, कई बार हास्यवाद यानी कि humor तरीके से, humorous तरीके से हम उसको बताते हैं, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे और लोगों को समझ में भी आए. क्या होता है basically, अगर कोई चीज़ common मतलब comedy form में लिखी जाए, humorous form में लिखी जाए, कई बार थ्रिलर फॉर्म में लिखी जाए, या कई बार एक एग्जाम्पल सेट करते हुए लिखी जाए, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको लोग आसानी से समझते हैं, सुनते हैं और पास ऑन करते हैं. तो यहाँ पर भी वही चीज़ एक तरीके से एप्लीकेबल है कि अगर यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है तो वो ज़्यादा अपीलिंग होता है, ओके, ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, क्योंकि लोगों को वो एक फॉर्म में, हिंदी में मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो एक उनको आसानी तक उनको समझ में आता है. अ यूजुअल डिस्टिंक्शन इज ऑफन मेड बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऐसे. छोटा सा एक डिफरेंस जो है वो मनाया जाता है फॉर्मल ऐसे में और इनफॉर्मल ऐसे में. द फॉर्मल ऐसे इज रिलेटिवली इम्पर्सनल. The author writes as an authority on the subject and examines it in an ordered and thorough fashion. अब जो formal essay होता है वो बिल्कुल impersonal होता है, ठीक है, उसके अंदर एक proper एक author बैठेगा, वो लिखेगा, ठीक है, अपनी authority के हिसाब से किसी भी particular subject पे examine करके, ठीक है, एक proper order follow करेगा और एक proper तरीके से उसको लिखेगा. यूँ नहीं कि पहले जो चीज़ लिखी है वो दूसरी चीज़ से रिलेट ही नहीं कर रही, वो एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करेगा, ये है फॉर्मल. एग्जांपल्स विल बी फाउंड इन द सीरियस आर्टिकल्स ऑन करंट टॉपिक्स एंड इश्यूज इन एनी ऑफ द मैगजीन्स एड्रेस्ड टू अ थॉटफुल ऑडियंस. एग्जांपल्स जो है कई बार इस तरह के आर्टिकल्स
हमें एग्जाम्पल के तौर पे ये जो फॉर्मल ऐसे हैं ये आर्टिकल्स के तौर पे हमें दिख जाएंगे। कई बार हमारे जो सिचुएशन चल रही होती है, जैसे करंट टॉपिक हुआ या करंट इशू हुआ, उस तरह के टॉपिक्स पर हमें कई बार इस तरह के ऐसेज देखने के मिल जाएंगे किसी भी मैगजीन के अंदर, ठीक है, जहाँ पर एड्रेस टू अ थॉटफुल ऑडियंस। और ये बेसिकली उस तरह के लोगों के लिए लिखे जाते हैं जो विचार विमर्श करते हैं इन इस तरह की टॉपिक्स पे, करंट टॉपिक्स हो या इशूज हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आज हम देखें तो हमारे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। वर्ल्ड के लेवल पे देखा जाए तो हमारे पैंडेमिक जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है सब जगह, और सब लोग जो है, सारी कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं उससे अफेक्टेड हैं और उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनके लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सीरियस टॉपिक हो सकता है, ठीक है, सीरियस इशू हो सकता है। दूसरी तरफ अगर इंडिया लेवल पे देखें तो हमारे यहाँ LAC का भी कितना ज़्यादा चल रहा है। चाइना जो है वो कोशिश कर रहा था हमारे देश में घुसने की, ठीक है, अनऑथराइज तरीके से, तो वो भी एक टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा जो हमारे देश में और भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि रिसेंटली अभी अगर आपने कभी न्यूज़ देखी हो तो आपको पता पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है देश के अंदर चल रही हैं और अधिकतर अभी नेगेटिव चीज़ें जो है ज़्यादा चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, सीरियस टॉपिक्स जो होते हैं, वो एक थॉटफुल ऑडियंस के लिए होते हैं, यानी कि एक ऐसी ऑडियंस जिसको समझ हो, ठीक है, जो सोच विचार करती हो, उनके लिए होते हैं। हर किसी के लिए इस तरह के एसेज जो है वो नहीं एप्लीकेबल होते हैं। उम्र के हिसाब से भी आपको एसेज जो है वो देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि आपको बचपन में बोला जाता था माय बेस्ट फ्रेंड पे लिखो, माय फादर पे लिखो ऐसे, तो वो अभी आपके लिए थोड़ी एप्लीकेबल है। अभी आपके पास थोड़े और डिफ़िकल्ट सिचुएशन के या डिफ़िकल्ट टॉपिक जो है वो दिए जाएंगे आपको ऐसे लिखने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई करी गई है और बताया गया है। In the informal essay, the author assumes a tone of intimacy with his audience and tends to be concerned with everyday things rather than with the public affairs or specialized topics, and writes in a relaxed, self-revelatory and often whimsical fashion. अब यहाँ पे ये जो फैशन शब्द का प्रयोग बार बार किया जा रहा है, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। ये जैसे अपन बोलते हैं कि इस तरीके से, दैट टाइप ऑफ फिल्मसिकल टाइप या विम्सिकल पैटर्न, या पैटर्न के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे फैशन से उसको रिप्लेस किया गया है, मतलब उसका यही निकल रहा है। बिकॉज इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट जहाँ पर एक ही शब्द के कई बार अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आपको मीनिंग देखने होते हैं, इसीलिए यहाँ पर फैशन का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ट्रेंड जो कपड़े चल रहे हैं आज के ज़माने में उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पहले हमने फॉर्मल के बारे में पढ़ा, अब हम इनफॉर्मल के बारे में समझेंगे। फॉर्मल में हमने देखा था किस तरीके से सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है, और इनफॉर्मल में जो है क्या होता है, नॉर्मल टॉपिक पे बात होती है, दिन रोज एवरीडे थिंग्स जो इनकी रोजमर्रा के जो दिन की चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात होती है। और जो ऑथर लिखने वाला जो जिसने इससे लिखा है उसकी जो टोन होती है वहाँ पर तो बिल्कुल फॉर्मल टोन होती है, वर्ड टू वर्ड जो वर्ड्स यूज होना चाहिए वो, यहाँ पर थोड़ी सी पर्सनल टोन होती है उनकी, इंटीमेसी वाली टोन होती है, यानी अपनापन वाली टोन होती है, ठीक है, एक नॉर्मल कैजुअल टोन होती है जहाँ पर वो रिलैक्स होकर के किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या खुद के बारे में बता रहे हैं, या फिर जो डेली चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इनफॉर्मल। द ग्रीक थियोफ्रेस्टस, प्लूटार्क एंड द रोमन्स सिसेरियो एंड सेनेका रोट एसेज लॉन्ग बिफोर द जॉनर वॉज गिवन इट्स स्टैंडर्ड नेम बाय मोंटेग्नेस ग्रेट फ्रेंच एसेज इन 1850। अब क्या हुआ था, जो ग्रीक्स थे, ठीक है, जिनमें नाम थे थियोफ्रेस्टस, प्लूटार्क, रोमन्स सिसेरियो, सेनेका, इन लोगों ने एसेज लिखे हैं, और जब इन्होंने तभी ऐसे लिख दिए थे जब इस पर्टिकुलर टर्म को आया भी नहीं था, इसका एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं हुआ था कि ये जो चीज़ लिख रहे हैं उसको बोला क्या जाएगा, उसको ऐसे की टर्म दी जाएगी, इसके बारे में तो कहीं पर डिस्क्रिप्शन नहीं था, तभी इन लोगों ने लिख दिए थे। फिर उसके बाद में 1850s के अंदर जो मोंटेग्नी का ग्रेट वर्ड था एसेज, उसमें से इसको स्टैंडर्ड नाम दिया गया था, ठीक है। द टाइटल सिग्निफाइज अटेम्प्ट्स एंड वाज मेंट टू इंडिकेट tentative and unsystematic nature of Montaigne's discussion. Title जो उसको नाम दिया गया था attempts, यानी कोशिश एक तरीके से। ये एक unsystematic nature जो था discussion का, यानी कि
उस जमाने के अंदर जब उन्होंने ये चीज़ लिखी थी, उसको नाम दिया उन्होंने अटेम्प्ट्स, और उन्होंने इसको क्लियरली नहीं बताया, मतलब इनको भी कहाँ का आइडिया था कि क्या चीज़ है, तो उन्होंने बेसिकली उसको अटेम्प्ट्स के नाम से लिखा। और उस पर एक ये जो अनसिस्टमेटिक तरीका था अपने डिस्कशन को बताने का, ठीक है, मोंटेग्ने का अनसिस्टमेटिक तरीका था अपने डिस्कशन को बताने का, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा था। अटेम्प्ट्स को धीरे धीरे बाद में नाम दिया गया। फ्रांसिस बेकन लेट इन 16th सेंचुरी इनॉग्रेटेड द इंग्लिश यूज ऑफ द टर्म इन हिज ओन सीरीज ऑफ एसेज। बाद में फ्रांसिस बेकन ये एक और राइटर हुए हैं, एसेइस्ट हुए हैं, इन्होंने 16th सेंचुरी के बाद में इस टर्म को नाम दिया एसेज। इन्होंने जो अपनी चीज़ें लिखी उसको एक इन्होंने इंग्लिश टर्म दी एसेज। पोप अडॉप्टेड द टर्म फॉर हिज एक्सपोजिटरी कॉम्पोजिशन इन वर्स एंड रोट द एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड द एसे ऑन मैन। अब पोप ने भी अडॉप्ट करी ये टर्म जो उन्होंने लेके आए थे ये एसेज के नाम से फ्रांसिस बेकन। इसके बाद में और लोग भी जो है वो अडॉप्ट कर रहे थे इस तरह की इस टर्म को, और फिर इसके अंडर यानी इस टर्म के साथ में अपनी चीज़ लिख रहे थे, जो भी अपने टॉपिक्स पर वो लिख रहे थे राइटिंग, उनकी जो भी हुआ करती थी पीस ऑफ राइटिंग, वो उसको टर्म दिया कर रहे थे एसेज, डिस्क्राइब करते थे अपनी चीज़ों को, अपनी सारी जो भी उनकी उस समय फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो जो भी डिस्कशन हो, उसको इस टर्म के अंदर एक तरीके से लिखने लगे। अब जो पोप थे उन्होंने भी इस टर्म को अडॉप्ट किया और उन्होंने एक्सप्लेन करे अपने कॉम्पोजिशन, जैसे कि वर्स हुए, और उन्होंने लिखा ऐसे लिखे क्रिटिसिज्म पे, यानी कि जब हम किसी पर जजमेंट पास करते हैं, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, कटाक्ष करते हैं, उसके लिए उन्होंने यूज़ करा ऐसे ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन क्रिटिसिज्म द ऐसे ऑन मैन, और फिर उन्होंने मैन पर भी ऐसे लिखा है। देखिए यहाँ पर कोई भी टॉपिक हो सकता है एसेज लिखने के लिए, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपको फॉलो ना करके आप किसी भी चीज़ पर लिख सकते हैं, वो लिखने वाले पर डिपेंड कर रहा है कि वो क्या लिख रहा है, वो किस ट्रेंड में लिख रहा है, किस फैशन में लिख रहा है, फॉर्मल है इनफॉर्मल है, या किस चीज़ पर लिख रहा है, करंट टॉपिक पर लिख रहा है, करंट सिचुएशन पर लिख रहा है, या एवरीडे रूटीन पर लिख रहा है, वो लिखने वाले पर डिपेंड करता है। और क्या वो फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, अब यहाँ तो हमने जाना कि कैसे ये नाम निकल के आया है एसेज, कैसे ये टर्म निकल के आई है एसेज। बाद में हमें पता पड़ा है आगे जाकर के कि कैसे एक पहला जो पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्टरी होता है जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, सेकेंड पैराग्राफ जो होता है उसके अंदर हम उसके बारे में और बात करते हैं कि एसेज का ओरिजिन हुआ, क्या इसके पॉइंट्स है, ये क्या काम कर रहा है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो बॉडी ऑफ मैटर में आता है। फिर एंड का जो पैराग्राफ होता है उसके अंदर हम उसका कंक्लूजन निकाल के रखते हैं कि हमने जिस टॉपिक पर लिखा है उसका सार क्या हुआ, तो ये बात की चीज़ है। हाँ, हम देख रहे हैं कि ऐसे टर्म कैसे निकल के और किसने पहले यूज़ करी। फिर लेटर ऑन एडिसन एंड स्टीले हेजलेट एंड लैम्प कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील इन द डिवेलपमेंट ऑफ द एसे। बाद में एडिसन, स्टीले, हेजलेट और लैम्प इन्होंने भी इस चीज़ के अंदर यानी ऐसे के अंदर इनको डेवलप किया और उसमें और ज़्यादा योगदान दिया, अपना अच्छे से समझाया। सो आज हमने पढ़ी है एक पर्टिकुलर टर्म एसेज। इसको आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हैं, उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन फैशन, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे वर्ड फैशन वर्ड का बहुत इस्तेमाल किया गया है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि यहाँ पे फैशन का मतलब क्या आ रहा है, किस चीज़ से आ रहा है, क्या इसका यहाँ पे क्या सेंस है। यहाँ पे बेसिकली इसको बोला जा रहा है यहाँ से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उससे कनेक्ट करके कि किस पैटर्न से एसेज लिखे गए हैं, क्या उनका पैटर्न रहा है एक पर्टिकुलर समय में, ठीक है। और एसेज दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के अंदर आपका जो लिखने वाला व्यक्ति है, ऑथर जो है, वो थोड़ा सा पर्सनल होकर के लिखता है, और फॉर्मल के अंदर वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उसकी चीज़ें सब फॉर्मल होती है। जैसे कि हमारे पास में लेटर्स होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर्स हम हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को लिखते हैं, फॉर्मल हम ऑफिस वर्क हुआ, स्कूल हुआ, किसी ऑफिशियल ऑफिसेस या गवर्नमेंट ऑफिसेस या प्राइवेट ऑफिसेस को लिखते हैं, उसके अंदर हमारी लैंग्वेज डिफरेंट होती है और फॉर्मल के अंदर अलग होती है इनफॉर्मल के अंदर। वैसे ही यहाँ पे भी हमारी लैंग्वेज का बहुत फ़र्क पड़ता है, चूज ऑफ द वर्ड्स, ठीक है,
choice of the words is more important to write anything. आप किस तरीके से लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या आपका outlook है, वो सारी चीज़ें important रहती हैं. So that's all for today. Have a nice day ahead, students.